M2B पोकेमोन मास्टर के एपिसोड 2 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, या फिर तुम लोग बोल सकते हो पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 138 के बारे में बात करेंगे, या फिर तुम लोग बोल सकते हो पोकेमोन के ओवरऑल एपिसोड 1223 के बारे में हम लोग बात करेंगे। घबराओ मत, सारे के सारे एपिसोड एक ही है जिसमें मिस्ट्री वापस आने वाली है। एपिसोड में क्या क्या होगा, इसके पुराने पोकेमोन कौन से वापस आएंगे, सारी बातें बताएगा मैं। सब्सक्राइब कर दो, शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाएगा एस किस्म घूम रहा है, पोकेमोन से मिल रहा है, जैसे कि रेडेटा पोकेमोन हो गया, ये दोनों पोकेमोन होंगे लड़ रहे हैं और ये नले नले पोकेमोन तुम्हें देखने को मिलेंगे। एंड देन दोस्तों एस किस्म जाएगा पानी के पास में, वहां पर जाकर अपनी फिशिंग रोड निकालेगा साइलेंट वाली और फिशिंग करना शुरू कर देगा। और फिशिंग करते करते उसको ये नल्ला, महानल्ला, सबसे बड़ा नल्ला पोकेमोन क्लोनचर देखने को मिलेगा। इसको हमारा हीरो जो है कैच करने वाला होगा। लेकिन यार जैसे ही बार आएगा, जैसे ही पोकेबॉल निकालेगा, जैसे ही ये फेंकने वाला होगा, पीछे से एक और फिशिंग रोड आएगी, एज के हाथ को पकड़ लेगी और वो रोड और किसी की नहीं मिस्टी की होगी। और मजे की बात यहाँ पे ये है, मिस्टी बोलेगी, अच्छा बड़े आए वर्ल्ड चैंपियन, तू ही है ना जो कि मेरी जिम से बिना बैटल करे जिम बेच ले गया था। भाई यार ये बेइज्जती जो है ना सॉलिड बेइज्जती है। एज के तुम चाहे वर्ल्ड चैंपियन हो लेकिन इस बेइज्जती के सामने एज के तुम पानी पानी हो जाता है, बिकॉज वाटर टाइप जिम में नले जो के मेरे जानता हूँ मैं। लेकिन कोई ना, यहाँ पे मिस्टी बोलेगी ये पोकेमोन मेरा है, समझा कि नहीं, मैं वाटर टाइप की फैन है। एस बोलेगा चल मुकाबला कर लेते हैं, जो जीता पोकेमोन उसका। तो भाई साहब यार एक बार फिर से हिस्ट्री जो है रिपीट होने वाली है, जो कि मजेदार बात है। देन दोस्तों यहाँ पे हमारे हीरोज जो है मुकाबला करेंगे, मिस्टी यूज करेगी अपने पॉलीटोड पोकेमोन का, वहीं अपना हीरो एस के यूज करेगा कॉर्फिश का। आए हाय मैं क्या बोलूं यार, कॉर्फिश यार भले ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन नहीं था होविन रीजन का, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन था होविन रीजन का, जिसने भाई आग लगा दी थी। ये पोकेमोन जब अपने पे आता है ना किसी की नहीं सुनता। लेकिन कॉर्फिश से पहले इस किस्म जो होगा भाई राउलेट को भेजेगा, वो एक किस्म बोलेगा जाओ राउलेट यार इस नली बंदी को हरा दो। लेकिन राउलेट बोलेगा ना 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 मैं तो मिस्टी के साइड में है। एस बोलेगा अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बट कोई ना। फिर कॉर्फिश आएगा, कॉर्फिश बोलेगा हम लड़की के प्यार में नहीं बैठते, हम हराएंगे इसको। फिर यार मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एंडिंग में एक किस्म जीत जाएगा, लेकिन क्लोनचर पोकेमोन खुद ही मिस्टी के पास चला जाएगा। भाई पोकेमोन भी नल्ले हो रखे हैं बता रहा हूँ मैं, मतलब यार पोकेमोन भी मिस्टी के ऊपर फिदा हो रहे हैं, ये गलत बात है भाई यार, गुल्लू जी की तरह नहीं बनना है तुमको। लेकिन फिर भी एपिसोड में ऐसे होने वाला है। और यार मिस्टी बोलेगी हारने के बाद में चलो कोई ना, कहाँ पे जा रहे हो तुम एस के जम? तो एस बोलेगा मैं तो जा रहा हूँ ब्रोक के पास में, मतलब हमको पता नहीं कि ब्रोक के पास में जा रहे हैं लेकिन अलग सिटी में जा रहे हैं। तो मिस्टी बोलेगी चलो चलो मैं भी आती हूँ, कोई ना आ जाते हैं मजा आएगा। फिर यार जैसे मिस्टी एस को ज्वाइन करेगी, वो दोनों निकल जाएंगे एक और नए सफर पर। फिर अगले एपिसोड में वो जाकर मिलेंगे ब्रोक से, साइलेंस से और इस बंदी से। हमको पता चलेगा कि आखिरकार ये दोनों बंदी साथ में कर क्या रहे हैं, इन दोनों का मोटिव क्या है, मतलब यार लफड़ा क्या चल रहा है इन दोनों के बीच का। ये काफी बड़ी मिस्ट्री है हमारे दिमाग के अंदर, बिकॉज साइलेंट ब्रोक एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन दोनों का साथ में क्या काम है, ये क्या कर रहे हैं, सारी बातों का अंदाजा हमको मिलने वाला है। और ब्रोक भी आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एपिसोड 2 में क्या क्या होगा मैंने तुम्हें बता दिया है, और तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, पोक्विज का आंसर दो। बाय बाय।